मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले कई दिनों से दुकान पर लगे विज्ञापनों के बोर्ड पर टैक्स को लेकर नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। वहीं महापौर ने स्पष्ट किया है कि जो नोटिस इश्यू हुए हैं वह बड़ी कंपनी के बोर्ड लगाने पर हुए हैं और अगर किसी व्यापारी को निजी दुकान का बोर्ड लेकर नोटिस इश्यू हुआ है तो उसकी जाँच कर उसे कैंसिल कराया जाएगा। पिछले कई दिनों से व्यापारियों की दुकान पर लगे विज्ञापनों के बोर्ड को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस भी नगर निगम की नई सरकार पर लगातार हमला कर रही है। इसी को देखते हुए आज महापौर, MIC मेंबर और व्यापारियों के साथ विधानसभा 2 के विधायक रमेश मेंदौला भी मीटिंग में उपस्थित हुए। महापौर ने कहा कि निजी दुकान के बोर्ड पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा और अगर किसी को नोटिस इश्यू हुए हैं तो उसकी जांच कर उसे कैंसिल किया जाएगा। इसके अलावा जिस भी व्यापारियों को नोटिस दिए गए हैं, दिवाली के बाद एक बार फिर बैठक कर बात करेंगे, 2017 की पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि उसमें सुधार और गुंजाइश की जरूरत है तो हम उनके साथ हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में भोपाल में भी बात रखेंगे। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जुड़े हुए सभी व्यापारी एसोसिएशन, भारतीय जनता पार्टी का व्यापारिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी धीरज खंडेलवाल जी के साथ सब लोग आए थे। इसके इतर भी कई सारे व्यापारी यहाँ आज आए थे, उन सब से बात हुई है। इंदौर नगर पालिक निगम की ओर से एकदम स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति के निजी बोर्ड, निजी होल्डिंग, निजी एडवर्टीजमेंट के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जा रहा है और एडवर्टीजमेंट को लेके जो कुछ नोटिसेस गए हैं उस पर भी दिवाली के बाद सब व्यापारियों से बैठ कर बात करेंगे, 2017 की पॉलिसी पर डिस्कशन करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि उसमें कोई सुधार और गुंजाइश की ज़रूरत है तो उस पर हम उनके साथ हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में उस बात को भी भोपाल में रखेंगे। निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है और वो इसलिए लगता है कि जब स्वयं के बोर्ड के कोई शुल्क हमने लिए नहीं, ना उसके लिए कोई नोटिस भेजा, जो प्राइवेट एडवर्टीजमेंट होता है जैसे आपने शहर में कहीं देखा होगा, वो और ओप्पो और कई सैमसंग के रेमंड्स के जो बड़े ओपन एडवर्टीजमेंट लगते हैं जिसको रेगुलेट करने के लिए मध्य प्रदेश में पॉलिसी है, उसके तहत हमने नोटिसेस भेजे हैं और अगर गलती से किसी व्यापारी को उसके खुद के बोर्ड का नोटिस आ गया है तो वो हम जांच करके कैंसिल करवाएंगे।